से हमारी और पिताजी की बहुत गहरी दोस्ती थी, तो इसने दोस्ती में गद्दारी करी है। तो हमारा पिताजी इनके घर वाले के सामने वो मरने से दो दिन पहले कह के गया कि मेरा 24 लाख रुपया ये खेत है, ये तांत्रिक नक्कसबाड़ी दे दे के ये काम को करता है जी, मैं इसका लगता हूँ जेठ हूँ जी, ये इसने झूठा मुकदमा में मैं फंसा रखा हूँ और इस काम को हो गए 6 महीना, 6 महीना से झूठा मुकदमा में इसने फंसा रखा हूँ। तो ये मुल्ला जी है जो 55 साल का है और ये जो हमारी भाई की घरवाली है 20 साल की है, ये इसने बिगाड़ी है जी शुरू से ही, मतलब दो बार आई है, तीसरा के फिर इसी के ही 1.5 साल होगी कम से कम इसको रखते हुए, इसी टेंशन में हमारा पिताजी गुजर गया है। और कैसे बहकाई इसने? ये तांत्रिक आदमी है जी, नक्कसों से बहकाई है इसने, नक्कस दे करके। हाँ, तो यहाँ आपके घर पे आते थे या फिर कहाँ मिलते थे? ये हमारे घर पे ही आते थे, इससे हमारी और पिताजी की बहुत गहरी दोस्ती थी, तो इसने दोस्ती में गद्दारी करी है। हाँ, दोस्ती में ही वो करी है और इस पे हमारा पिताजी कह के गया 24 लाख रुपए और एक खेत है। तो भाई ये कहानी है, झूठा मुकदमा में फंसाते डोले है तो, और कहा कि मैं मुल्ला जी के साथ ही है भाई, कोर्ट मैरिज कर लियो। इसमें कोई तलाकनामा नहीं हुआ क्या? कोई तलाकनामा ना हुआ, कोई कुछ ना, बस थोड़ा सा हमारे भाई से इसकी मनमुटाप इस बात पर हुआ था, ये गंदी थी, इसके गंदे चाल चलन थे पहले ही। तो इसके बारे में कैसे पता लगा? इसके बारे में ऐसे पता लगा, इस पर एक मोबाइल मिला था, और मोबाइल मिला था तो भाई ने इसको मोबाइल पे देख लिया, भाई तेरा मोबाइल कहाँ से आयो या मुल बता। भाई ने थोड़ा बहुत धमका दी तो फिर ये इसने माई कह लो अपना फ़ोन कर दिया, पुलिस के साथ वो आ गए, ले गए इसको। उसके पास बाद में मुकदमा दर्ज करवाया है यही वहाँ में कि मैं फंसा दियो, मेरे पर 3 क्षेत्र लगवा दिए, जबकि आपकी कोई बात नहीं थी? कोई बात नहीं थी, कोई कुछ नहीं। तो आप लोगों ने इनके ससुराल वालों से बातें की? हाँ, इसके इनके ससुराल वालों से बात की कि हमारी छोरी ऐसी नहीं है, तो फिर कोई बात ना हो ऐसे ही चलते रहे। हमने कही तेरी छोरी झूठी है, तो वह बाद में फिर मुल्ला जी यह लिए आए कोर्ट मैरिज करके, तो सबको फिर पता पड़ गया, पूरे गांव में पता हो गया कि भाई ये तो नाजायज इसमें केस में मुकदमान में जा रहे हैं, गलत बहुत पैसा की बर्बादी करवा दी इसने। तो फिर पंचायत में क्या फैसला? पंचायत में फैसला ये हुआ है, पंचायत में ही आता नहीं है, पंचायत नहीं आता है? नहीं आता। गाँव हम तो ऐसा चाहते हैं जी, हमें इंसाफ मिले, हमारे इस पे 24 लाख रुपया है जी और ये खेत है, ये हमें मिले, और जो नाजायज मुकदमा लगा रखो जी ये हमारे ऊपर से हटे। तो जब आप पैसे मांगते हैं और खेत लेने का बोलते हैं तो क्या बोलता है? ये बोलता है कि मेरे पास तो है ही नहीं है तुम्हारा, हमने मांगे भी, बोल रहा है कि हम मेरे पास है ना, बता कौन है मन की। अब हमारा पिताजी तो गुजर गया है, तो हमारा पिताजी इनके घर वाले के सामने वो मरने से दो दिन पहले कह के गया कि मेरा 24 लाख रुपया ये खेत है, ये तांत्रिक नक्कसबाड़ी दे दे के ये काम को करता है।